वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इस देश में जब भी किसी पार्टी विशेष पर सरकार की नजर टेढ़ी होती है तो उस राजनीतिक दल के कर्ता धर्ता अपने नेताओं को समझाने लगते हैं कि शांति से बैठ जाओ वरना ईडी आ जाएगी। फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई और। जब जब ईडी का चाबुक किसी नेता पर चलता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सब राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ईडी के दफ्तर से ऐसी मुस्कान लिए बाहर निकल रहे हैं मानो चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी जीत का प्रमाण पत्र उनके हाथ लग गया हो। शायद इसलिए क्योंकि ईडी के शिकंजे में आने के बाद वो अपनी पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ उन बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिन पर ईडी ने अपना डंडा चलाया है। नवाब मलिक पर इल्जाम है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के करीबी से करोड़ों रुपए की जमीन को काफी सस्ते दामों में खरीद लिया था जिसके बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कसा। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शब्दों में नवाब मलिक के कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। ये करोड़ों रुपए की जमीन, सैकड़ों करोड़ या हजार करोड़ रुपए की जमीन किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के माध्यम से नवाब मलिक इन्होंने खरीदी, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया है कि इस प्रकार से हमारे देश के दुश्मन के साथ व्यवहार करने का कारण क्या है। राज्य के एक मंत्री और उन्होंने ये व्यवहार करने के बाद और ये 55 लाख रुपए देने के बाद, आप देखिए उसके बाद में 3 हमले मुंबई पर हुए, बम विस्फोट मुंबई में हुए हैं, तो ये हसीना पारकर को जो पैसा गया किसको गया, ये दाऊद को पैसा गया और ये किस लिए गया, उनकी उन्हीं एक्टिविटीज के लिए गया जिन एक्टिविटीज के तहत इस देश के अंदर उन्होंने बम विस्फोट किए। पिछले कुछ सालों में ईडी की मेहरबानी एनसीपी नेताओं पर कुछ ज्यादा ही रही है। यहां तक कि पार्टी मुखिया शरद पवार भी ईडी के फेरे में आने से खुद को बचा नहीं पाए। 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि एमएससीबी में हुए 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया था। इस मामले में शरद पवार को ईडी में हाजिरी भी देनी पड़ी थी जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी ईडी के हाथों में खुद को पड़ने से बचा नहीं पाए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपयों की वसूली में मुंबई पुलिस के इस्तेमाल का सनसनीखेज आरोप लगाया और उसके साथ ही अनिल देशमुख के बुरे दिन शुरू हो गए। पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हिरासत का समय आगे बढ़ता चला गया। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नेताओं पर भी ईडी की गाज जमकर गिरी है। शुरुआत हुर्रियत नेताओं पर ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी से हुई जो कि टेरर फंडिंग के चलते की गई। बाद में ईडी के फेर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी आ गए, आरोप लगा मनी लॉन्ड्रिंग का। कुछ समय बाद ईडी का शिकंजा पीडीपी नेता और राज्य की एक और पूर्व मुख्यमंत्री
महबूबा मुफ्ती पर कसा। उन पर भी अवैध रूप से संपत्ति जुटाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की। प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद पर भी ईडी ने अपना चाबुक चलाया था। उन पर अवैध ढंग से पैसा कमाने, मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई गंभीर आरोप थे। सिर्फ अतीक ही नहीं, उनकी पत्नी और भाई पर भी कार्रवाई की गई। अतीक पर एक्शन लेने वाली टीम के मुखिया राजेश्वर सिंह थे, वही राजेश्वर सिंह जो अब लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। ईडी के शिकंजे पर हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।